सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, बड़ी प्रसन्नता के साथ आज आपको कुछ कहना चाहता हूँ, और कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि हमारा जो मल्टीवेगर स्टॉक एक ऐसा स्टॉक बना है दोस्तों, जो हमने एक मल्टीवेगर आज की तारीख में पिछले 6 महीने में ही 4 गुना बढ़ गया दोस्तों, 4 गुना। हाँ, 4 गुना बढ़ गया दोस्तों। मैंने दिसंबर में जो स्टॉक दिया मल्टीवेगर, आज 2 जून 2021 को देखिए 4 गुना बढ़ गया। ये है मल्टीवेगर स्टॉक का कमाल। और उसी के साथ साथ दोस्तों, जिन्होंने हमारा मल्टीवेगर पोर्टफोलियो सर्विस दिया है, मल्टीवेगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उनका भी बहुत अच्छा एप्रिसिएशन हो रहा है दोस्तों उनके स्टॉक में, और ज़ोरदार बातें हो रही हैं। बस यही कहूँगा और आगे यही कहना भी चाहूँगा दोस्तों कि यही सब सर्विसेज हैं, आप लीजिए और आप कमाइए, पैसा बनाइए दोस्तों। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहता है। डर की भावना मार्केट से एक तरफ रखकर स्टॉक पर हमारा नज़र रहे। और कुछ बातें हैं जो मैं वीडियो के अंत में भी बताऊंगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ही बोलूंगा। फिलहाल आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं दोस्तों मुथूट फाइनेंस के बारे में। हाँ दोस्तों, मुथूट फाइनेंस का मैंने जहां तक है इंडिविजुअल जो मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया था, आज से लगभग 10 महीने पहले बनाया हूँ और आज बना रहा हूँ, क्योंकि आज इसने अपना फर्स्ट ब्रेकआउट लगभग ये 3-4 महीने के बाद ही अपना रूप दिखाया है दोस्तों। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस, ये पार्ट 9 है। अगर आप रियली मुथूट फाइनेंस के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पूरा देखिएगा दोस्तों। आप रियली नॉलेज भी गेन करेंगे और मुथूट फाइनेंस के बारे में आप बहुत कुछ जानकारी भी प्राप्त कर लेंगे। चलिए, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ मुथूट फाइनेंस। करंट मार्केट प्राइस 1414.90 एज ऑन 2nd June 2021। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, 56,765.20 करोड़। ये अब लार्ज कैप में आ गया दोस्तों, मुथूट फाइनेंस इज नाउ इन लार्ज कैप। हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और अच्छी बात भी है इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर के लिए। और ये इसका पहला ब्रेकआउट हुआ है दोस्तों। पिछली बार भी इसने 1,405 रुपया जोड़कर फिर पीछे हो गया था, आज इसने 52 वीक्स हाई भी टच किया है दोस्तों। देखिए 1,439 ऑल टाइम 52 वीक्स हाई जो आज ही टच किया। हाँ दोस्तों, और अब प्रश्न ये उठता है कि अब हमें व्हाट नेक्स्ट, क्या करना चाहिए। बस दोस्तों, मैंने किसी जगह पर ये बात अपने टारगेट प्राइस में भी कुछ बातें कहा हूँ दोस्तों, पिछला वीडियो आप कहीं देख लीजिएगा, वो भी आपके नॉलेज में हो जाएगा। फिलहाल तो मैं यही कहूँगा कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो बिल्कुल मजबूती से शेयर्स को होल्ड करें, नहीं बेचना है शेयर्स दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, पर्सनल एडवाइस। और क्या खास बात आ सकती है दोस्तों, अभी इसका एक न्यूज़ जो पिछले साल हुआ था दोस्तों, अगर आपको याद होगा, इसका एक न्यूज़ था स्टॉक स्प्लिट का, जो बाद में काफ़ी न्यूज़ में रहा और बाद में मैनेजमेंट ने कुछ इस बात को पोस्टपोन कर दिया। हो सकता है दोस्तों ये बात इस साल लागू हो जाए, हो सकता है, ऐसा कह नहीं रहा हूँ होगा। अगर ये हो सकता वाली बात, होगा वाली बात में अगर चेंज हो गया तो दोस्तों इस शेयर्स की रफ्तार को कोई गिरफ्तार नहीं कर पाएगा, ये पर्सनली कह रहा हूँ दोस्तों। तो बस यही कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यही कहूँगा दोस्तों कि जहाँ भी उनको 3%, 4%, 5% या उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, वो पार्टली प्रॉफिट बुक करना चाहिए उनको मुथूट फाइनेंस में। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस बारे में। और ये अब इस पॉइंट पर ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रहे हैं, जैसे थोड़ा सा आज हुआ भी, और ख़ास करके दोस्तों इसका रिजल्ट भी अच्छा आया, जो मैं आपसे कहना भी चाहूँगा कि इसका रिजल्ट ये रहा दोस्तों कि इसका नेट प्रॉफिट जो है 22% अप्रिशिएट हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है, और आगे भी इनके कार्यों में उपलब्धि होती ही रहेगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर यही कहूँगा दोस्तों, और यही एडवाइस भी है, मुथूट फाइनेंस होल्ड इट एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, ये सही होगा।
बस यही कहना था दोस्तों, मैं मानता हूं इस बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा जो मैंने कहा आज। और दोस्तों आपके लिए खास करके ये वाक्य जो आप सभी पे लागू होता है, हम पर भी लागू होता है, सभी पे लागू होता है। इन्वेस्टर्स शुड पार्टली बुक द प्रॉफिट फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग बुलिश ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट। हाँ दोस्तों, ये वाक्य को आप दिलो दिमाग में बिठा लीजिए, मैंने अभी जो लिखा है, और लागू भी करिए। स्टॉक मार्केट में होता क्या है दोस्तों, जब आपके सेल्स प्राइस लगातार बढ़ते जाते हैं तो आपकी इच्छा बिल्कुल नहीं होगी सेल करने की, क्योंकि अच्छा है, शेयर्स बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो क्यों बेचें। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा पार्टली 5%, भाई मेरे पास 100 शेयर है तो 5 शेयर बेचना चाहिए, 10 शेयर बेचना चाहिए, 5-10% प्रॉफिट बुक जरूर करना चाहिए दोस्तों। नहीं तो होता क्या है वास्तव में दोस्तों, कि जब प्रॉफिट बुक का समय था हमने कुछ नहीं किया, और जब मार्केट लगातार कभी गिरने लगा तो डर में आप लॉस करके निकलते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट भी होता है और ये नेगेटिव स्टेप भी हुआ। तो मेरा आपसे यही एडवाइस है, इस वाक्य के द्वारा यही कहूँगा कि आप कम से कम थोड़ी सा, मतलब जैसे मैं कहा ना 5-10% प्रॉफिट बुक करना चाहिए मार्केट में, क्योंकि जब मार्केट आपको मौका दे रहा है तब आपको उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। और नहीं करते हैं तो अलग बात है, लेकिन जब मार्केट लगातार गिरता है और आप डर के बेचते हैं और लॉस में बेच के निकल जाते हैं, तो उस समय भी फिर प्रण करिए नहीं बेचूंगा, तब तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाली बात हो गई, तब तो अच्छी बात है। बस यही कहना था इस वाक्य के द्वारा, बस यही है दोस्तों। और चलते चलते आपके लिए यही कहूंगा कि आज 2 जून है, 30 जून तक दोस्तों लाइफ मेंबरशिप का डेट है। जो 30 जून से पहले लाइफ मेंबरशिप ले लेंगे उनको लाइफ में लास्ट टाइम ये फायदा होगा लाइफ मेंबरशिप का दोस्तों, क्योंकि 1 जुलाई से लाइफ मेंबर फीस डबल हो जाएगा। इस बात को नोट कर लीजिए और इस महीने के एंड से पहले आप लाइफ मेंबरशिप लीजिए दोस्तों। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत आता है, इसकी जानकारी आप व्हाट्सएप में लीजिए। और इसी के साथ साथ मल्टीबैगर पोर्टफोलियो सर्विस जो हमारा चल रहा है और मल्टीबैगर स्टॉक सर्विस, इसके बारे में भी आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और इसमें कदम उठाइए दोस्तों, इन्वेस्ट करिए, आप हमेशा सफल रहेंगे। बस चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं।